दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको जमीन की नामांतरण अभिलेख दस्तावेज की आवश्यकता है तो अब आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन जमीन की नामांतरण अभिलेख डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से जमीन की नामांतरण अभिलेख डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही दोस्तों डाउनलोड करने के लिए कितने रुपये आपको शुल्क देना होगा, लगभग विभाग द्वारा अब सभी अंचलों के सभी कार्यालयों के दस्तावेज को धीरे धीरे डिजिटाइज किया जा रहा है, तो अब आप आसानी से जमीन की नामांतरण अभिलेख डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे पूरी जानकारी के साथ पूरे विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आपने से हमेशा आप सब्सक्राइब को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों जमीन की नामांतरण अभिलेख डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको राजहेल्प्स.इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है राजहेल्प्स.इन। राजहेल्प्स.इन लिख के जैसे सर्च करें तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, या फिर दोस्तों इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही करें तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं कुछ इस तरह से ये वेबसाइट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना और टाइप करना है नामांतरण अभिलेख डाउनलोड 2024, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। अब जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में ये आर्टिकल आएगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में देखिए पूरे बारीकी से बताया गया कि नामांतरण अभिलेख क्या है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ काम आएंगे, इस तरह की पूरी जानकारी बताया गया। तो आप इन्हें पढ़कर एक बार पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लीजिए। अब जैसे आप पढ़ते हैं निश्चित तरफ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट बताया गया कि हाउ टू चेक एंड नामांतरण अभिलेख डाउनलोड, यानी कैसे चेक करेंगे और किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे उसकी यहाँ पे देखिए पूरी प्रक्रिया बताया गया। तो आप इन्हें पढ़कर भी जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं निश्चित तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए नामांतरण अभिलेख डाउनलोड, पहले आपको साइनअप करना होगा उसके बाद लॉग इन या डाउनलोड, यानी कि पहले आप साइनअप कीजिए फिर लॉग इन कीजिए उसके बाद डाउनलोड कीजिए। तो पहले आपको साइनअप विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। साइनअप विकल्प जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, सबमिट विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा, वो जानकारी भर के आप आसानी से इनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसमें हमने वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर उस वीडियो का एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के आप इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिए। मैं पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा हूँ। अब जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन या डाउनलोड विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ध्यान है कि आपको ये पब्लिक लॉगिन पर इस तरह से क्लिक रहने देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, लॉगिन विकल्प पे क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय बिहार सरकार की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नामांतरण अभिलेख, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देखिए ऑफिस नेम में यही क्लिक रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका जिला का नाम है सिंपली आप अपने जिला के नाम पर क्लिक कर दीजिए। एक बात ध्यान है कि अगर आपकी जिला का नाम नहीं आता है तो इसका मतलब अभी आपकी जिला का दस्तावेज को डिजिटलाइज नहीं किया गया, तो आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। तो इस तरह से आप जिला का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप अपना अंचल का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना मोजा का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, तो इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका मोजा का नाम है सिंपली आप अपने मोजा के नाम पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। मोजा का नाम क्लिक करने के बाद अब ये जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर मालूम है तो भर सकते हैं, अन्यथा खाली रहने दीजिए। और उसके बाद आपको सर्च विकल्प पर इस तरह से क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट खुलकर आ जाएगा, तो आपको एक एक करके सभी पीडीएफ में चेक करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए फाइल नेम देखने को मिलेगा, तो पहले आपको ये वाले फाइल नेम में चेक करना है, उसके बाद इसमें चेक करना है जो भी जमीन का आप सर्च करना चाह रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ये चेक करने के लिए यहाँ देखिए फाइल नेम के आगे यहाँ पे देखिए ये जो पीडीएफ आइकन है इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। पीडीएफ आइकन पे जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से जमीन की नामांतरण अभिलेख देखने को मिल जाएगा, तो आप जो जमीन का ढूंढना चाहते हैं आपको इसमें से एक एक करके पूरे बारीकी से इस तरह से चेक करना होगा। अब जैसे मान लीजिए चेक कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि जो आप दस्तावेज ढूंढ रहे हैं वो 5 पेज नंबर पे है या 6 पेज पे है,
और वो पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी पे इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्राप्त करना चाह रहे हैं या बिना डिजिटल, तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा पेज नंबर, वो पेज नंबर लिखना है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपको पर पेज 10 रुपये पे करने होंगे। अब आपको सिंपली सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।